हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली। 18 फरवरी से शुरू हो रही प्रदेश की बोर्ड परीक्षाओं, जिनमें हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शामिल है, वो शुरू हो रही है। सभी संवेदनशील और सामान्य परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम और मॉनिटरिंग सेंटर बनाया गया, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए पूरे प्रदेश में 7,784 परीक्षा केंद्र बनाए गए। लगभग सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जनपद एवं विद्यालय स्तर पर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने पार्क रोड स्थित निदेशालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों को बताया कि हमने आज राज्य स्तरीय कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, जो आने वाले बोर्ड परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम सेंटर की तरह स्थापित किया गया है। इसके तहत सभी जनपदों में ऑनलाइन मॉनिटरिंग सेल बना दिया गया है, जिस पर लखनऊ से कंट्रोल रूम बनाकर बड़े स्तर पर परीक्षा केंद्रों पर निगरानी की जाएगी। सभी जनपद वार भी कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जिसमें इनकी लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए शासन ने नई वेबसाइट भी जारी की है और टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं, जिस पर आई शिकायतों का 24 घंटे के भीतर निवारण किया जाएगा। आज 18 फरवरी से परीक्षा शुरू करेंगे और 24 अप्रैल तक हम रिजल्ट निकाल देंगे। पिछले बार भी हमने ऐसे ही किया था, एक साल पहले घोषित करने के बाद में समय से परीक्षा, समय से मूल्यांकन, समय से रिजल्ट। तो ये चीज एक अनोखी हुई है हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद में और इसमें हम काफी हद तक हमने सफलता पाई है। हमारा परीक्षा फल भी काफी अच्छा गया है, 4.91 परीक्षा प्रतिशत हमारा और बेहतर पिछले वर्ष से इस वर्ष हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन की अवधि में भी हमारी कमी आई है और मूल्यांकन की अवधि को हमने काफी कम करके इस बार निश्चय किया है कि हम अब की 24 अप्रैल तक ही अपना रिजल्ट निकाल देंगे। हमारा अब की कंट्रोल रूम को हमने कुछ मॉडर्नाइज किया है, हर जिले में हमारा मॉडर्न कंट्रोल रूम स्थापित हुआ है। पिछली बार केवल 2 जगह पर हुआ था, अब की पूरे प्रदेश में हुआ है। और आपकी जानकारी के बता दें कि अभी तक जो वर्तमान व्यवस्था है, अगर इसमें हमने कोई सुधार किया तो अलग होगा, तब उसमें खर्च होगा। अभी तक कोई बगैर खर्च किए हमने ये व्यवस्था की है। ये भी जहां पर लाखों करोड़ों रुपए, कई कई 100 करोड़ रुपए खर्च हो जाते थे इस प्रकार की व्यवस्था में, अभी तक हमने कोई व्यय नहीं किया है। 18 फरवरी से उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी, जिसमें इस बार 12 कार्य दिवसों में हाई स्कूल की परीक्षाएं व 15 कार्य दिवसों में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पूरी कर ली जाएंगी। इस बार विशेष रूप से 10 से 15 विशेष जनपदों में नकल रोकने के लिए विभिन्न रंगों की कॉपियां भी भेजी जाएंगी, जो पिन न होकर सिली हुई होंगी, जिनसे परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों द्वारा प्रथम पृष्ठ बदलने की संभावनाएं कम करने की सरकार उम्मीद कर रही है। पूरे प्रदेश में कुल 7,784 परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इस बार ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाने की व्यवस्था लागू की थी। इस कारण वर्ष पहले जहां 12,000 से भी अधिक परीक्षा केंद्र बनते थे, अब वो 7,784 पर सीमित हो गए। योगी सरकार ने इस बार परीक्षार्थियों के लिए इंटरमीडिएट स्तर पर नई व्यवस्था की है, जिसमें अगर विद्यार्थी एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा और अगर वो संबंधित विषय में उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे इंटरमीडिएट स्तर पर उत्तीर्ण घोषित किए जाने की व्यवस्था की गई है। टाइम 24 न्यूज के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।